महात्मा गांधी जी। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाली हूँ। जानते हो कौन सा? ये अपने राष्ट्रीय नेताओं के बारे में है। मोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैडम, आज आप पहले किसके बारे में बताएंगी? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। हाँ, सही जवाब। चलो अब शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं तुम्हें इस नेता के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण छायाचित्र दिखाना चाहूंगी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे एक विजयी अहिंसक योद्धा थे। अहिंसा मतलब? इसका मतलब है किसी को चोट पहुंचाए बिना या हिंसा का प्रयोग किए बिना। क्या तुम जानते हो उनका जन्म कहाँ हुआ? हाँ, पोरबंदर में। बिल्कुल सही। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंग्लैंड में कानून की शिक्षा हासिल करने के लिए गए। तब वे 18 साल के थे। इसका मतलब वो वकील थे? हाँ, वे एक लोकप्रिय वकील थे। उन्होंने 3 साल भारत में और 20 साल साउथ अफ्रीका में वकालत की। आज मैं उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगी। जब गांधी जी स्कूल में पढ़ रहे थे, एक दिन शालेय निरीक्षक उनके स्कूल में आए। अब मैं कुछ अंग्रेजी शब्द कहूंगा, तुम सभी को उन्हें लिखना है। लिखते समय मोहन को एक शब्द का स्पेलिंग नहीं आ रहा था। मोहन, अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हारे दोस्त से नकल कर लो। लेकिन मोहन ने नकल नहीं की। सभी छात्रों ने स्पेलिंग लिखे सिवाय मोहन के। मोहन के अध्यापक उनसे गुस्सा हो गए। मोहन को बहुत दुख हुआ। फिर भी वो सोचता रहा कि उसने जो भी किया सही किया। दूसरी घटना में एक बार मोहन ने धूम्रपान शुरू कर दिया और उसके लिए उसने कर्ज लेना और चोरी करना शुरू किया। जैसे ही कर्ज बढ़ता गया, उसे चुकाने के लिए उसने अपने घर से अपने भाई का एक सोने का गहना चुराकर अपना कर्ज चुका दिया। लेकिन वो खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। उसी दिन उसने ठान ली कि वो जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। उसने ये सारी घटना एक कागज पर लिखकर अपने पिता को दी। जब उसके पिता ने वो पढ़ा, उन्होंने बिना कहे उस कागज को फाड़ दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन उसने ठान ली कि वो अपने जीवन में सिर्फ सत्य ही कहेगा। साउथ अफ्रीका की एक घटना ने गांधी जी का जीवन ही बदल दिया। साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों से बहुत बुरी तरह बर्ताव किया जाता था। सभी भारतीयों को कुली कहकर पुकारा जाता था। एक दिन गांधी जी रेलवे के प्रथम दर्जे से सफर कर रहे थे, तभी एक यूरोपियन वहां आया। इस कुली को बाहर फेंक दो। एक सैनिक ने उन्हें बाहर फेंक दिया। उस कड़ाके की ठंड में उन्होंने सारी रात गुजारी। लेकिन इसी घटना ने गांधी जी के मन में सत्याग्रह के बीज बो दिए। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे मुसीबत टालने के लिए वे कोचमैन के पीछे बैठे। लेकिन जब अफसर वहां आए, हे तुम चलो वहां नीचे सामान पर बैठ जाओ। लेकिन गांधी जी ने मना किया। उस अफसर ने उन्हें मारना शुरू किया। लेकिन अन्य यात्री बीच में आ गए और उन्होंने गांधी जी को कोचमैन के पीछे बैठने दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने लोगों की सभा बुलाकर एक समिति स्थापन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोगों को जागृत करना शुरू किया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग से भारत को स्वतंत्रता दिलवाई।